ओबीसी आरक्षण तय न होने से निरस्त हुए चुनाव के बाद लोगों में फैली नाराजगी दूर करने के लिए अब ओबीसी आयोग प्रदेश भर से आंकड़े जुटा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन अपने सदस्य व विधायक कृष्णा गौर और प्रदीप पटेल के साथ दमोह पहुंचे। यहां पर उन्होंने ओबीसी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और उसके बाद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने आज जो हमारे पिछड़ा वर्ग के जो समूह है, हमारी जो आबादी है, उसके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सर्वेक्षण के बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा किया, जिसके आगे चल के डाटा हम प्राप्त करेंगे। जिस कारण से पंचायत चुनाव स्थगित हुए हैं, वो मुख्य रूप से मैं मानता हूँ कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को जो समाप्त किया न्यायालय ने, उस संदर्भ में न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखने के लिए हम प्रदेश के सभी जिलों से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कुल मतदाता कितने हैं और ओबीसी का मतदाता उसमें कितना है, इसके आंकड़े प्राप्त कर रहे हैं, जिसको मध्य प्रदेश शासन को सबमिट करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर शासन न्यायालय के सामने उसको उन आंकड़ों को रखेगा जो हमारे लिए ओबीसी के आरक्षण का एक आधार होगा। सर, अभी वित्तीय अधिकार पंचायतों को वापस किए गए हैं, कहीं ये उन्हें मनाने का एक प्रयास तो नहीं है? देखिए, न किसी को मनाने का प्रयास है, न किसी को खुश करने का प्रयास है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि ही काम करें, ये मनसा है, उसी मनसा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया।